नीकू देखो कितने मजे से सो रहा है यहाँ पे। पूरे साल हम जिस त्यौहार का इंतजार करते हैं वो होता है दिवाली, और दिवाली के बाद जो त्यौहार होता है वो होता है तुलसी विवाह का, देव उठनी एकादशी का, और बस अब पूर्णमासी बच जाएगी और सारे त्यौहार जो अब है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और मेरा मनपसंद त्यौहार है, और इस दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है शालिग्राम के साथ या विष्णु भगवान के साथ। तो मैं त्यौहार इसलिए भी मनाती हूँ कि इससे घर में एक प्रॉस्पेरिटी आती है, हैप्पीनेस रहती है और नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है, ऐसा मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बहुत दृढ़ विश्वास है। तो आज जो तुलसी विवाह है और उस दिन मैं सबसे पहले शुरू करूंगी मंडप बनाना। तो जल्दी से अपने सारे काम घर के ख़त्म कर लिए हैं और कुछ साथ चलते रहेंगे, और जो भी चीज़ें मेरे पास होती हैं उनसे एक अच्छा सा सुंदर सा मंडप सजाती हूँ। और ये मैंने देखिए एक स्टैंड लिया था जिसमें कि मैं तुलसी जी का एक मूर्त रूप जो है, एक जो फीमेल या नारी रूप मैं देती हूँ इसकी मदद से। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, इसमें होल्स बने हुए हैं और इसके साथ एक और अटैचमेंट है जिसको कि इसमें लगा के हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। बेसिकली ये कलश वगैरह से हम एक नारी का रूप देते हैं। तुलसी जी के लिए मैं जो फ्रेम बनाती थी मुझे वो ही ज़्यादा पसंद था। तो देखिए ये जो अटैचमेंट है इसे इस तरीके से कस देते हैं और इससे जो है तुलसी जी का पेट बना सकते हैं हम, या जो कलश रखते हैं ये उसके मुँह पर आ जाता है। और मैंने कुछ इसको इस तरह से एडजस्ट किया, और देखिए इसमें जो मैंने तुलसी जी के लिए ना कुछ हाथ और पैर वगैरह भी लिए थे वो भी लगा दिए, पैर तो नहीं लिए हाथ लगा दिए, लहंगा पहना दिया, और उनका जो मैंने फेस ले रखा है वो भी लगा के मैंने तुलसी माँ को एक साकार रूप देने की कोशिश करी। माँ तुलसी के मेरे पास कई सारे पौधे हैं, कुछ तो ऊपर रहते हैं और कुछ नीचे, और ऊपर वाले पौधे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ऊपर मंदिर है तो भोग के लिए बराबर ज़रूरत पड़ती है तो वो आसानी रहती है। तो अब मुझे जहाँ कहीं भी तुलसी जी मैंने लगा रखी हैं उस जगह को मुझे थोड़ा सा सजाना था और उनको चुनरी उड़ानी थी लाल रंग की, या जो भी आपकी श्रद्धा हो उस तरह की। तो मैंने इस तरह से एक लाल रंग का लहंगा माँ तुलसी को उड़ा दिया, और इसी तरीके से जो अंदर वाली तुलसी जी हैं देखिए वो भी काफ़ी कुछ इस तरह से स्थापित हो गई हैं। और विष्णु भगवान का मेरे पास ये चित्र है, हर साल मैं इसी से ही विवाह करती हूँ तुलसी जी का, ये मैंने लगा दिया। और इसी तरीके से एक तुलसी जी जो हैं वो नीचे भी लगी हुई हैं, मतलब नीचे जो लगी थी उन्हें मैं ऊपर ले आई हूँ। नीचे एक नया गमला है उसमें मैंने नई तुलसी जी लगा ली हैं, और वहाँ पर मैंने एक चुनरी वो भी लाल रंग की उनको उड़ा दी है। पहले इसमें मैंने एक दूसरा जीजी प्लांट लगा रखा था, मैंने सोचा था कि जिस दिन भी तुलसी विवाह होगा उस दिन मैं इस गमले में तुलसी जी लगाऊंगी। तो ये जो है बाहर की तरफ मैंने लगा दी है नीचे की जगह पे, और नीचे वाली तुलसी जी ऊपर आ गई हैं। आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाए थे और इसके साथ लौकी की बड़ी टेस्टी सब्जी बनाई है, और मैंने रोटियां बना के रख दी हैं, और इस तरह से अपना जल्दी से काम मैं खत्म कर रही हूं। ये मेरे पास ना बहुत पुरानी एक मतलब एक कंटेनर है ग्लास का, और इसमें हमेशा ही खड़िया और गेरू रखा रहता है, मतलब मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कंटेनर को देखते ही संग मुझे पता है कि ये किस काम का है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ना जो मेरे अकॉर्डिंग एक बड़ा अच्छा रूल है, और वो ये है कि जल्दी जल्दी कंटेनर्स मत बदलिए। कई बार आप केवल उनको देख कर ही सामान की पहचान कर लेते हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या ना हो। तो देखिए मैंने इस तरह से गेरू भिगो दिया है, और खाने का काम भी जो कि शाम को यूज़ होगा उसका काम करना स्टार्ट कर दिया। तुलसी जी का जो जहाँ पे मंडप होता है वो तकरीबन मैंने सजा दिया है, और इसके साथ साथ जो घर के काम है ना वो चल रहे हैं। तो जैसे पूजा पाठ फेस्टिवल जितने भी होते हैं ये अपनी पेस से चलते हैं, और जो घर के मेन काम है वो तो रहते ही हैं, हमें इन दोनों में ना एक बैलेंस बिठाना पड़ता है। तो ये दिन थोड़ा सा हैक्टिक तो हो जाता है, तो कोई बात नहीं। लंच में मैंने वो बनाए थे, लौकी की सब्जी थी, तो करण ने और मैंने तो लंच कर लिया, मैंने नहीं किया, मैंने ब्रेकफास्ट ही कर लिया था। तो अभी अमर करेंगे तो वो रखा हुआ है, उसे अलग रख दिया है। पूरी किचन क्लीन करके मैं भोग बना रही हूँ, तो मैंने अरबी बॉईल कर दी है, खीर बन रही है, और आज के दिन चावल का यूज नहीं होगा तो मैं मखाने और ड्राई फ्रूट की खीर बनाऊंगी। और अब साथ के साथ जो खड़िया और गेहूं है उससे मैं अल्पना भी बनाती रहूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है बनाना, हालांकि मुझे आती नहीं है। तो ये सारे काम एक संग चलेंगे, और आज से ना शादियां भी शुरू हो जाएंगी। तो आज एक शादी भी है लेकिन मैं उसमें नहीं जा पाऊंगी, और क्योंकि आज तो मेरे घर में शादी है, विवाह है। और पूजा के एक्स्ट्रा बर्तन आज निकलते हैं ना, वो भी मैंने वॉश करके पहुंचा दिए हैं ऊपर जहां मैंने तुलसी जी का मंडप बनाया है।
और अल्पना बनाने के लिए मैं इस तरीके की ईयरबड्स का और ब्रश का यूज़ करती हूँ, या फिर किसी भी एक सींक में, माचिस की तीली में थोड़ी सी कॉटन लपेट लीजिए, उससे भी बन जाती है अल्पना। देखिए मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जैसे मैं करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। और इस दिन अल्पना बनाने का अपना एक जो है ना एक वो है, एक प्रथा है, इसलिए मैं बनाती हूँ। कुछ लोग देव उठनी एकादशी वाले दिन देव उठान के कुछ अलग अलग तरीके के चित्र बनाते हैं, तो इसे घर में जहाँ जहाँ तुलसी जी होती हैं, घर की एंट्रेंस पर, हर जगह मैं बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि और कहाँ बनाए जाते हैं, और जहाँ मैंने मंडप सजाया था वहाँ भी बड़ी सुंदर सी मैंने बनाने की कोशिश करी। अब जितनी मुझे आती है उतनी मैं मन से बनाती हूँ। और जहाँ तक तुलसी जी के प्लांट की बात है, देखो इसे घर के अंदर मैं रखती हूँ, घर के बाहर नहीं रखती हूँ। जैसे सारे भगवानों का स्थान अपने घर के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से माँ तुलसी का जो स्थान होता है वो आपके घर के आंगन के बीचों बीच होता है। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, और मैंने अपनी मम्मी को भी देखा था, जब डैडी का जहाँ ट्रांसफ़र होता था, अगर बड़ा आंगन होता था तो मम्मी बिल्कुल बीच में तुलसी जी रखा करती थी। तो इसीलिए हमेशा घर में अंदर तुलसी जी लगाई जाती है, बाहर ना लगाएं, क्योंकि उनकी उस तरह से सेवा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बाहर स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, वो उसको बहुत गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए अल्पना मैंने बनानी शुरू करी, आज थोड़ी सी अलग करी, उनका नाम लिखा मैंने, तुलसी माँ की जय लिखी, और कुछ छोटे मोटे प्लांट्स के आसपास मैंने सजाया। करण ने मुझसे बोला था कि माँ इस बार ना आप थोड़े से फूल बनाना, ऐसे ही रेंडमली, उसको कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन बच्चे कभी कभी कह देते हैं, तो मैंने कुछ कमल के फूल बनाए। अब देखिए जैसी मेरी ड्रॉइंग है उस तरीके से जैसे मुझसे बन पड़े मैंने वैसे बनाए, और इस बार मेरा मन था कि बहुत बड़ा सा कमल का फूल बनाऊंगी और उसे फूल से और गेरू से इस तरह से सजाऊंगी। लेकिन जब मैं ये वाला बना रही थी तभी करण आया और उसने मुझसे कहा कि माँ आप इसे बिल्कुल सिंपल रहने दो और थोड़े से और बनाओ, उसको अच्छे लगे। तो देखिए मुझे वो अच्छा लगता है जो मेरे फैमिली में सबको अच्छा लगता है, खासकर तब जिस दिन त्यौहार हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके मन का काम करूँ जिससे सबको खुशी मिले। तो मैंने इस तरह से कई सारे जो हैं फूल कमल के बना दिए जगह जगह। इतना हो गया है, यहाँ पर कर दिया है, थोड़ा सा वहाँ पे लिख दिया है, तो बहुत सुंदर सुंदर बन रही है आज मेरी रंगोली। ओ अल्पना, अब मैं वैसे तो आजकल त्योहारों को और फेस्टिवल्स को मनाने का जो चलन है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और मैं इसे चलन नहीं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा आलस है, और कभी कभी अपने शरीर का जवाब देना है। जैसे हम कई बार हेल्दी नहीं रहते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, तो हम ये सब काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी त्यौहार खाली ना जाए, कुछ थोड़ा सा ही सही, जरा सा ही सही, हमें त्यौहार वाले दिन थोड़ा सा उत्साह तो दिखाना चाहिए, और इस तरह से अपना सम्मान और श्रद्धा ईश्वर के प्रति जरूर दिखानी चाहिए। तो देखिए मेरे कमल के फूल बनते जा रहे हैं ना, और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने बना ली है इतनी रंग, मतलब अल्पना रंगोली निकलता है मुंह से बार बार, तो कमल के फूल बनाए हैं बड़े सुंदर सुंदर, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहां मैंने लिखा है, उधर भी एक कमल का फूल है। काम अभी रोक दिया है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, आराम कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ बन रही है चाय और ये बन रही है खीर, अभी मखाने और भूनूंगी, अभी सब्जी बनाऊंगी, मखाने भूनने हैं, और मेरी जो अरवी है ना ये बॉयल हो गई हैं, आलू भी बॉयल होके रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली है। अल्पना बनाने के बाद अब जो शाम का भोग बनता है, खाना बनता है, उसकी बारी आती है। आज के दिन चावल का यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं एकादशी का व्रत भी नहीं रखती, इसलिए मैं फलहारी की जगह पक्का खाना बनाती हूँ हमेशा से। तो मुझे जो है मखाने की खीर बनानी थी, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से मखाने तो पीस लेती हूँ, थोड़े से दरदरे, और थोड़े से मखाने में साबुत डालती हूँ खीर में। तो देखिए दूध को गाढ़ा कर लिया, केसर डाल के थोड़ा सा इस तरह से मखानों को पीस कर डाला है, और जब ये पक जाता है ना तो इसमें मखाने डाल
देते हैं और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में डालूंगी। बहुत ही जल्दी बढ़िया अच्छी खीर बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। और अगर जाड़े का मौसम होता है तो उसी तरीके से मैं गाजर की खीर बना देती हूँ। इस बार थोड़ी गर्मी है इस मौसम में, इसीलिए मैंने बनाई है मखाने की खीर। और अब मेरा काम लगभग खत्म हो गया है, सब्जियाँ बन गई हैं, पूड़ी का आटा मैंने लगा दिया है और अब मैं कर रही हूँ दीपकों की तैयारी। थोड़ा साड़ी पहन के साड़ी के चिकने होने का डर होता है, इसीलिए पहले से ही मैं दीपक तैयार करके अब जा रही हूँ खुद तैयार होने। और अब तैयार होने के बाद मैं जो तुलसी माता की जो ये सजाई थी, मैंने मंडप सजाया था, इसको पूरा करूंगी। इसमें कुछ काम अभी बाकी है, अभी दिन निकल रहा है, रात नहीं हुई है, तो सारी तैयारी कर दूंगी। और तुलसी माँ का ना श्रृंगार भी मुझे पूरा करना है। अभी तो मैंने उन्हें केवल लहंगा चुनरी उड़ाई है, पूरा श्रृंगार करूंगी। तो यहाँ की तैयारी मैं कर रही हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले जो गन्ने होते हैं ना, उनका मंडप बना के लेकर आती हूँ। तुलसी जी का मंडप तैयार हो गया है विवाह के लिए, और जो थोड़ी बहुत लाइट्स थी वो भी मैंने जला दी हैं और अब उनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो जो श्रृंगार का सामान होता है वो मैं लेकर आती हूँ, जैसे चूड़ी हुई, बिंदी हुई, नेल पॉलिश हुई, लिपस्टिक हुई, बिछिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, जितनी मुझे मिल जाती हैं उतनी मैं लेकर आती हूँ। इस सारी सामग्री को जो आप श्रृंगार की किसी भी देवी को चढ़ाते हैं ना, उसे आप खुद भी पहन सकते हैं और ये एक तरह का प्रसाद होता है। तो अपने नाप की लेकर आइए, भगवान को चढ़ाइए और उसके बाद जो है आप खुद धारण करिए। और विष्णु भगवान को पीले रंग की मैंने चुनरी उड़ाई है, क्योंकि अब जो है गठजोड़ की मैं तैयारी करूंगी। और इसी तरीके से एक और चुन्नी मैंने माँ तुलसी को उड़ा दी है, और इस तरह से जो तैयारी होती है वो काफी कुछ पूरी हो गई है। अष्टदल कमल बना के जो कलश होता है उसकी स्थापना करूंगी और गणेश जी का ध्यान देके आगे काम करूंगी। और ये सारी चीजें मैं केवल जो तुलसी जी मैंने मंडप में रखी हैं उनके साथ ही नहीं करती, तुलसी जी का श्रृंगार में लगभग सारी तुलसी जी का कर देती हूँ। जैसे मैं एक डिब्बी चूड़ी लेकर आती हूँ तो सबको वो मैं पहना देती हूँ और इसी तरीके से सबका श्रृंगार कर देती हूँ। और अब बारी आती है रोशनी करने की, दीपक जलाने की। तो कुछ दीपक जो होते हैं मैं दिवाली पर अलग निकाल देती हूँ और उनको आज के दिन और एक कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जलाती हूँ। तो इस तरह से रोशनी करते हैं हम शाम को। पहले तो जो लाइट्स वगैरह हम लोग हैंग करा करते थे ना, वो मतलब कार्तिक पूर्णिमा तक लटकी रहती थी और हम उन्हें किसी किसी अच्छे दिन पर जलाया करते थे। जैसे अभी आंवला नवमी गई है, उस दिन भी जला करती थी, लेकिन मैंने जितना अब मैं कर पाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे वैसे भी दीपक जलाना पसंद है और इन दीपकों की एक गिनती होती है, उसी गिनती के हिसाब से मैं अपने पूरे दीपक पूरे करती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर ये सारी अल्पना लगती हैं, इन्हें हम देखते हैं कितना अच्छा लगता है और बच्चे ना बहुत सरप्राइज्ड होते हैं जब भी मुझे वो देखते हैं कुछ ऐसा करते हुए, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा ये कहूँ ना कि नहीं आज मैं थोड़ा छोटा सा कर लूँगी, तो बच्चे कहते हैं क्यों मम्मी आज क्यों आप छोटा कर रहे हो, आप बिल्कुल उसी तरह से करो जैसे आप हमेशा करते हो, अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम करेंगे। यानी कि बच्चों को भी अब पसंद है कि त्योहार बिल्कुल इसी तरीके से धूमधाम से हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी आलस कर लो तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पता नहीं माँ आज त्योहार क्यों नहीं इस ढंग से मना रही हैं। यानी त्योहारों का चलन जो मेरे घर में है ना, वो बहुत जिसे कहते हैं सबको पसंद है और सब उसे मन से मनाना पसंद करते हैं। बच्चों को अच्छा खाना मिलता है जिस दिन त्योहार होता है, क्योंकि नॉर्मली फ्राइड खाना हम डेली नहीं बनाते हैं। तो ये सारी रोशनी करने के बाद अब तुलसी जी की विवाह की मैंने तैयारी शुरू कर दी। तुलसी जी का विवाह कराने की एक छोटी सी मैं पूजा करती हूँ, जिसमें कि एक दूसरे को जयमाला पहनाना, गठजोड़ करना, और इसके साथ जो विवाह की एक दो चीज़ें मुझे पंडित जी ने बता रखी हैं मैं वैसे करती हूँ। अब वो वीडियो में शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शूट जैसे करते रहो और खुद पूजा करो तो उस टाइम पर शूट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है तुलसी विवाह संपन्न कराया, आरती करी और विष्णु भगवान को भी जगा लिया। तो आज की थी ये देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सकुशल संपन्न हुआ।
और इस तरह से तुलसी विवाह जो है संपन्न हुआ और बहुत अच्छे से मैंने कर लिया, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और इस तरह से ही हमें सारे त्योहार मनाने चाहिए, एक अलग ही उल्लास और उमंग आ जाती है। तो आप सब लोगों को भी शुभ तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज देव जग गए हैं और अब सारे शुभ काम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो तुलसी विवाह का। कैसा लगा जरूर बताना, और कुछ भी पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री राधे। शुभ तुलसी विवाह आप सबको।